गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इना भारती कॉलेज दूर। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एंड आज हम लोग देखते हैं, कल मैंने आप लोगों को फ्री स्पेस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे, कुछ हमने सिंपल न्यूमेरिकल्स देखे थे क्या होता है, कैसे हम हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको ई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने बोल रहा है, पोटेंशियल पोटेंशियल फाइंड करने बोल रहा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चंस पे आपको मैंने कल बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के देता है तो आप उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर जो भी है मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे अभी लिख रही हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है, क्या क्या हमको गिवन डेटा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमको क्या फाइंड करने का है हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ। क्वेश्चन दिया है लेट वी की वैल्यू दी हुई है। क्या दी है वी की वैल्यू? 2x y स्क्वायर एंड z क्यू प्लस 3 log n x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 3 z। इन फ्री स्पेस each of the following पॉइंट दिया है पी 3, 2, -1। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या क्या करना है। फर्स्ट है वी, सेकंड है मॉड ऑफ वी, थर्ड है आपका पी, आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में बोल रहा है लेट वी इक्वल टू, आपको डेटा दी हुई है इन अ फ्री स्पेस इवोल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। यहाँ पे इसने पॉइंट क्या दे दिया है, टी दिया है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको वी की वैल्यू दी है। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है, वी की वैल्यू मॉड ऑफ वी ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ ए एंड एंड डी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको फाइंड करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हमें बोला गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने वी फाइंड करने को बोला है, तो वी गिवन डेटा आप लोग लिखेंगे। क्या दिया है 2x y स्क्वायर z क्यू प्लस 3 log n x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 3 z। ठीक है, किसमें है, वोल्ट में है, क्योंकि v की वैल्यू किसमें है, वोल्ट में है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या उससे एक पॉइंट P दिया, अब V निकालना है, तो यहाँ पे X Y Z की वैल्यू है, तो P इक्वल टू क्या दिया है हमको, 3, 2, -1। मतलब ये X की वैल्यू होगी, ये Y की वैल्यू होगी और ये मेरी क्या होगी, Z की वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं V इक्वल टू 2 इंटू X की
इंटू जेड क्यूब माइनस वन क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री लॉग एन, एक्स के वैल्यू क्या है, थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है, ये थी वैल्यू हमने पुट कर दी। बी की वैल्यू यहां से क्या निकलते जाएगा, देखो टू इंटू ये फोर हो जाएगा इंटू ट्वेल्व इंटू माइनस वन प्लस थ्री लॉग नाइन प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ट्वेंटी फोर थ्री लॉग आगे क्या है थ्री है ना, ये क्या हुआ माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री लॉग, और उसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व फोर्टीन, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वी की वैल्यू जो है एट अ पॉइंट थ्री माइनस टू माइनस वन 15.01 आपकी क्या आएगी b की वैल्यू आएगी, तो b की वैल्यू फाइंड होगी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, माइनस में आएगा ये। अब हमको क्या बोला है इसका मॉड निकालना, तो मॉड निकालना रहता है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको, मॉड में क्या हो जाएगा ये जो नेगेटिव में वैल्यू है यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ आपको, b इज इक्वल टू क्या आया है माइनस 15.01 आया है, तो जब हम इसको मॉड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा 15.01 वोल्ट, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, कितना आया ये 15.01 और ये कितना आया माइनस 15.0 प्लस 15.0। अब हमको क्या फाइंड करना है e फाइंड करना है, तो देखते हैं हम e कैसे फाइंड करेंगे। e इक्वल टू मैंने कल फॉर्मूला बताया था क्या होता है e इज इक्वल टू माइनस डेल v, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हाँ, और एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देखना है कौन से सिस्टम में दिया है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो आपको देखने से समझ आ रहा होगा कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर मान लो ये रो फाई जेड ऐसा कुछ फॉर्म में होगा तो सिस्टम क्या होता था मेरा चेंज, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये आपको यूज कब आएगा जब यहाँ पे आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब e इक्वल टू क्या निकालते हैं माइनस डेल बी, ठीक है, तो डेल बी के लिए जब फॉर्मूला आप लोग पुट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला ये होता है पार्टीशन के लिए, और इसी को अगर स्फेरिकल और हम लोग सिलेंड्रिकल के फॉर्म में करेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम आपको इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको क्या फाइंड करना है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये ध्यान में रख के आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या होता है डेल बी डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल बी डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल जेड, ठीक है, ये अब बी के वैल्यू हमको क्या हो गई है दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई जेड इसमें दो ही वैल्यू दी है, आप कैसे इसको आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे, सब जगह क्या करोगे v की वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना, यहाँ पे हमको ये तो नहीं डिफाइन किया है कि ये ए एक्स के लिए या ए वाई के लिए, ऐसा डिफाइन किया है क्या नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, डेल
v divided by del x ax plus del v divided by del y ay plus del v divided by del z az. ठीक है, बस हमको क्या करना है, del v डिवाइडेड बाय डेल एक्स करके डेल वी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है, टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू प्लस थ्री लॉग एन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर. ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है. तो इसको आप लोग पूरा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या हो जाएगा ये वाला मेरा 2 वाई स्क्वायर जेड क्यू हो जाएगा और प्लस 3 लॉग एक्स, ये एक्स वाला क्या हो जाएगा 2x, तो ये 6 हो जाएगा. ऐसे करके आप लोग इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे. जब इसको पूरा आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज आपको y के लिए रखना है, y के लिए भी ऐसे v की वैल्यू रखोगे और यहाँ पे जो मैंने x लिखा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में. एज इट इज आपको z के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, डेल z. ऐसे करके आपको तीनों वैल्यू रखना है और यहाँ पे फिर हमको क्या मिल जाएगी, e की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ठीक है, अब देखो जब हमने इसको पूरा डिफरेंशिएट किया, डेल बी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल बी डिवाइडेड बाय डेल वाई एंड डेल बी डिवाइडेड बाय डेल जेड, तो हमारे पास क्या आ गया, ई की एक वैल्यू आ गई. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इसको मॉड करना है. तो मॉड के लिए क्या करेंगे, हम लोग पूरे का स्क्वायर कर देंगे, 7.4 स्क्वायर प्लस 22.8 स्क्वायर प्लस माइनस 71.4 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो e की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी 73.52. जब हम उसको इसको पूरा क्या करेंगे, कैल्सियम वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे तो आपकी e की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद आपको निकालना है, क्या निकालना है, a l. ठीक है, मॉड ऑफ e कितना आया, 73.52. ठीक, अब देखो हो गया an, तो an भी हमारा फाइंड
डी। ठीक, तो डी के लिए क्या होता है बताया है मैंने, उसके लिए भी फॉर्मूला बताया था डी का, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई एंड कैपिटल ई, ऐसा करके हमने बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ये ई की वैल्यू कितनी थी मेरी 7.4 ax प्लस 22.8 y माइनस 71.4 az। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रखोगे फिर क्या आएगा यहां से, पूरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ax ay az के फॉर्म में वैल्यू आएगी, तो d की वैल्यू भी आप लोग की निकल जाएगी। d की वैल्यू कैसे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, जो भी वैल्यू होगी उसको 7.4 इसका मल्टीप्लाई आपको सभी के साथ करना है, एक बार 7.4 के साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ऐसे करके आपको क्या करना है, बस कैलसी में वैल्यू रखना है और ए एक्स ए वाई ए जेड आपका मान लो, जैसे कि यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ 7.2 ए एक्स प्लस 17. ए वाई प्लस 15. माइनस 15.2 ए जेड, ऐसा कुछ करके आपको क्या आ जाए, डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे हमको फैक्टर्स बोले गए थे हमने सारा कुछ इसमें क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, बी भी कैसे निकालना है पता चल गया, मोड ऑफ बी कैसे निकालना है पता चल गया, ई कैसे निकालना है वो भी पता चल गया। तो ऐसे करके हमको क्या करना, अगर इस टाइप का हमको क्वेश्चन देता है तो स्टेप बाय स्टेप हमको इस उसको फॉलो करके हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल पार्टीशन मिला। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिया जाता है स्फेरिकल या क्वाड, तो वहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे ना उस टाइम बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या चीजें करना है, मतलब किस उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करके करना है, बस बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ अगर इसमें एक आध न्यूमेरिकल सिस्टम से रिलेटेड रहा तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।